सब्सक्राइब कीजिए क्रिएट हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं क्रिएट हिंदी चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ फ्री में वीडियो वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप लिंक में नहीं तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर गूगल सर्च में क्रोम में जाकर आपको .tk डालना है। .tk आप जैसे डालोगे नीचे वेबसाइट आ चुकी है दोस्तों .tk। तो हमें इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे दोस्तों तो यहाँ पर डोमेन नेम बता रहा है। डोमेन नेम दोस्तों क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं क्रिएट हिंदी डालता हूँ, क्रिएट हिंदी, तो यहाँ पर बता रहा है सॉरी नॉट अवेलेबल, ये वाला डोमेन नेम नहीं मिल पाएगा हमें। तो जैसे कि हमें दोबारा किसी और नाम से सर्च करता हूँ, खाली क्रिएट से सर्च करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों इसमें क्या निकलता है। तो ये देखिए दोस्तों क्रिएट वाला फ्री में नॉट अवेलेबल बता रहा है, जो डॉट टीक है ये वाला नहीं मिल पाएगा। और ये नीचे देखिए दोस्तों ये वाले आपको नहीं मिल पाएंगे, ये मना कर रहा है कि आपको 99 रुपये जमा करने पड़ेंगे तब आपको ये वाली वेबसाइट मिल पाएगी। तो हमें दोस्तों फ्री में चाहिए, फ्री में अभी कोई अवेलेबल नहीं है। देखिए दोस्तों तो हम दोबारा बैक जाते हैं, हम एक नाम से सर्च करते हैं आपको चाहिए। तो मैं .tk देख देता हूँ, .tk काफ़ी सही है, एक क्लिक हो गया। नीचे बता रहा है टू क्लिक कार्ड, तो ये देखिए। अब यहाँ पर आपको करना क्या है ये बता रहा है कि आपको कितने मंथ्स के लिए फ्री चाहिए, मतलब ये वेबसाइट कहाँ पे फ्री दे रहा है। तो देखिए दोस्तों ये 12 महीने तक ही फ्री दे रहा है, तो हम 12 महीने तक क्लिक कर देते हैं। और नीचे देखिए जो न्यू वेबसाइट है ये भी 12 महीने तक दे रहा, तो हम ये 12 महीने तक कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों आपको हमें डोमेन नेम मांग रहा है, तो ये नीचे आपका लिखा हुआ आ गया है संदीप कुमार वगैरह वगैरह। तो इसमें आपको एड्रेस और नेम जो सब कुछ डालना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कंपनी यूट्यूब चैनल लगा देते हैं, जिप कोड जो होता है, ये जिप कोड वो होता है कि आपको मतलब कभी भी आप अगर हेल्प सेंटर को कॉल करोगे तो आपको वेबसाइट पर जिप कोड पूछेंगे कि जिप कोड बताइए, वो उसी से पता लगाएंगे कि आपकी वेबसाइट कौन सी है। तो जिप कोड आपको जो मन से बढ़ा दीजिए 0011। ठीक है दोस्तों, इंडिया यूपी मान जाना मत। तो ये देखिए दोस्तों मैं अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों मोबाइल नंबर डाल दिया, अब कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों खुल चुका है। अब आपको इसमें क्या करना है दोस्तों, आपका अपनी जो वेबसाइट है वो आप जो लॉगिन करोगे दोस्तों, तो आप अपना इंटरव्यू ईमेल एड्रेस डालना चाहेंगे या फिर और आप गूगल प्लस या फेसबुक से करना चाहेंगे दोस्तों, सबसे बेटर यही रहेगा कि आप गूगल प्लस से करें। तो मैं गूगल प्लस से कर लेता हूँ साइन इन। आपका दोस्तों जो आपने साइन इन किया हुआ, जो आपने ईमेल आईडी गूगल प्लस पर जो डाली होगी उसके जो पासवर्ड होगा वही दोस्तों आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों हो रहा है, अभी चेकआउट कर रहा है, तो नीचे कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों ये हो चुका है। तो अब इसको करना क्या है, आपको ये देखिए दोस्तों सर्विस जो लिखा हुआ है, सर्विस के नीचे डोमेन माई डोमेन नेम जो लिखा हुआ है, माई डोमेन नेम पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे आप क्लिक
सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको ये डोमेन नेम कब तक चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो आपको ये डोमेन नेम क्या है दोस्तों, माई डोमेन नेम में जाता हूँ। तो एक सेकंड दोस्तों, इसमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, मैं आपको अभी बताता हूँ। अगेन सिस्टम आईडी, ये देखो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, आपको सर्विस में जाना है। देखिए यहाँ पर डोमेन नेम नहीं आ रहा है, तो आपको चेक कर लेना है। सबसे पहले सर्विस के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को देखिए, यहाँ पर सब्सक्राइब में तो ये बता रहा है न्यू रजिस्टर न्यू डोमेन नेम, तो यहाँ पर जाना है आपको। जैसे ही आप यहाँ पर करोगे तो न्यू पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना डोमेन नेम डाल दीजिए, जो मैंने आपको बताया था ऊपर डोमेन नेम, वो आप मैंने आप जो भी सर्च करना चाहते हो उसमें डालिए। ठीक है, देखिए दोस्तों को बता देते हैं। देखिए तो ये क्लिक कर देता हूँ मैं, ये वाली वेबसाइट। तो ये देखिए दोस्तों, सारी फ्री बता रहा है इसमें, ये फ्री है फ्री है फ्री है। तो मैं adventure.tk वाला अवेलेबल करता हूँ, आप जो बाकी जो मर्जी वही ले सकते हैं। तो तुम मना कर रहा हूँ, चुप बैठ जा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी आ चुका है। तो यहाँ पर आपको कितने साल के लिए, मतलब कितने महीने के लिए आपको ये चलाना है, तो मैं एक साल के लिए कर देता हूँ 12 months। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर मुझे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आपको कोने में आप जैसे देखोगे, आप करना क्या है ये देखिए, आप कोने में जैसे जाओगे तो आपको साइन इन कर लेना है दोस्तों, आपकी जो ईमेल आईडी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको डिटेल्स डालनी है, तो डिटेल्स आप जैसे डालोगे, तो मैं इसमें डाल देता हूँ डिटेल्स। अब चेकिंग कर रहा है, ये हो चुका है। तो इसमें एक सेकेंड अभी देखता हूँ जी, फर्स्ट टाइम डालना है एक बार डालना है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे कस्टमर डिटेल्स भर चुका हूँ। तो देखिए अभी आपका करना क्या है, क्लिक टू गो टू साइड ये बोल रहा है, अब इसमें मुझे आगे बढ़ना है। डिटेल्स मैंने कहीं भर दी है, तो ये देखिए। ठीक है दोस्तों, जैसे आप नीचे जाओगे, नीचे ये आ रहा लिखा हुआ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्विस में माय डोमेन नेम पे जाना है। ठीक है दोस्तों, माय डोमेन पे जैसे ही जाओगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर साइट्स का नाम लिखा हुआ है, यदवंश आपका tk.tk एक्टिवेट फ्री। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या
साइट्स पे जाना है, गेट ओल्ड साइट अभी लिखा हुआ दोस्तों इसमें, क्रिएट अ प्रोफाइल इसमें, ये देखिए एक्टिवेट गो साइट नाउ, तो मैं एक्टिवेट गो साइट पे जाता हूँ। इतनी सिंपल सी आपकी जो साइट्स है वो बन चुकी है, और आप इसमें फिर एडिटिंग चॉइस कर सकते हैं आप किस तरह की साइट्स बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों साइट्स की, ये देखिए इसमें आप जो भी साइट्स चुनना चाहते हैं तो आपके इसके मतलब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे कि दोस्तों मैं ये वाली सही लग रही है, सिंपल सी ज़्यादा वो नहीं है, तो मैं ये वाली देख लूँ। दूसरे की फ़ोटो किसी की ला सकते हैं, यहाँ पर टैक्स में डाल सकते हैं आप क्रिएट हिंदी, मैं इसको मैं सेव कर सकते हैं। तो ऊपर देखिए दोस्तों क्रिएट हिंदी नाम लिखा हुआ आ गया है, लॉग इन पब्लिश में जैसे आप जाओगे इसमें तो इसमें डाल दीजिए क्रिएट हिंदी, सेव हो गई। देखिए दोस्तों ऊपर नीचे दोनों क्रिएट हिंदी लिखा हुआ आ रहा है, और नीचे जाओगे ये आ रहे लिखे हुए। तो बहुत वेबसाइट है, आप जैसे चाहें, ये प्लस का सिंबल जो बना रहा है इसमें आप कोई भी बढ़ा सकते हैं, इमेजेस ला लीजिए, कोई टेक्स्ट यानी कि कोई बर्ड्स गैलरी, फोन बुक, मैप्स, और जितनी जब्स आप जो आ रहे हैं ये सब ला सकते हैं, यूट्यूब ट्विटर किसी के भी फॉलोवर ले सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने बताया था, अब सिर्फ पब्लिश कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर जाइए इसे दबा दीजिए, लिखा हुआ पब्लिश, ठीक है दोस्तों पब्लिश लिखा हुआ है। अब इसी जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करोगे मैं आपको उसका URL भी बता देता हूँ, URL आप कैसे लोगे। तो आप जैसे ही आप उससे पब्लिश पे क्लिक करोगे डन, और ये लिखा हुआ है ब्यूट साइट्स वेबसाइट्स। तो ये देखिए दोस्तों ऊपर जो है आपका वेबसाइट का नाम आ चुका है, ये देखिए jaydus.tk, ठीक है। अब इसे आप कॉपी कर लीजिए, आप अपनी वेब यूट्यूब पर जिस पर भी आप देना चाहते हैं उसे दे सकते हैं।